नमस्कार दोस्तों, मैं थोड़ा दोस्त मनु मोड़। दोस्तों, पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल का फॉर्म भरने तो पहला यह वीडियो ध्यान एक बार देख लो और समझ लो। इस वीडियो में जिहड़े भी कैंडीडेट मैंने वीडियो के कमेंट में करके सवाल पूछ रहे हैं या इंस्टाग्राम से मैंने सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने सारे सवालों का जवाब मैं इनकलूड किया हुआ है। दोस्तों, सब तो पहला कमेंट की गल करिए, करणवीर सिंह मैथ पूछ रहे हैं कि सर 17/1/2003 का बर्थ डेट है, कि मैं इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता? तो वीर जी, तुम जनरल कैटेगरी तो बिलोंग करते हो तो नहीं, तुम इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इतने इन्होंने मैंशन किया हुआ है कि 1 जनवरी 2021 तो गिनती होगी, तो कैंडीडेट की जनरल कैंडीडेट की एज लिमिट 18 तो 28 साल होनी चाहिए है। तुम 1 जनवरी 2021 28 साल के हो गए हो, उस तो बाद यह पोस्ट अपनी रिलीज़ हुई है, तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। जे 2 जनवरी 2021 होए हो तुम 28 साल के, फिर तुम इस पोस्ट में नहीं अप्लाई कर सकते। एंड इंस्टाग्राम से कुछ बई सवाल पूछ रहे सन कि ओबीसी कैटेगरी लई कितनी एज लिमिट है, तो 33 साल लास्ट एज लिमिट है, मतलब कि 18 तो 33 साल का कैंडीडेट जो ओबीसी कैंडीडेट फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है, बीसी जिसनों आप बैकवर्ड क्लासेस कह दें, मीनस टूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास एससी एसटी ओबीसी कैंडीडेट वास्ते एज लिमिट जी 33 साल रखी गई है, 18 तो 33 साल का कैंडीडेट इस पोस्ट में अप्लाई कर सकता है। इस तो बाद जो कमेंट आया से वो विशाल बाबा का आया से, ओबीसी कैटेगरी लिए एज लिमिट कितनी है वह मैं ऑलरेडी तुम्हें पहले ही दसती है। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए रेनू कुमार का, सर पेपर कदों होगा कॉन्स्टेबल का? अब पेपर होने की फिक्स डेट तो हाले कोई मैंशन नहीं की है, पर सितंबर के महीने इन्होंने दसा हुआ है कि सितंबर के महीने तक कोई ना कोई डेट इशू कर देंगे, जिस डेट तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इस तो बाद नैक्सट कमेंट है ओनली फॉर एसएससी जीडी का कमेंट आया हुआ अपने को, मुंडे की पोस्ट टोटल पोस्टा कितनियां इन्होंने यह पूछा हुआ। तो दोस्तों, इस चार्ट भी तुसी देख सकते हो जी, डिस्ट्रिक्ट कैडर दी पोस्टा इतने मैनशन की हुई है, तो आम कैडर दी पोस्टा इतने मैनशन की हुई है। हुण जनरल कैटेगरी की डिस्ट्रिक्ट कैडर में मेल कैंडीडेट की पोस्टा की गल करिए 610 है, फीमेल कैंडीडेट की पोस्टा की गल करिए 242 है। आप बाकी इतने चैक कर लो तुम एससी एसटी कैटेगरी के हिसाब न, तो टोटल पोस्टा की आप गल कर लिए जी डिस्ट्रिक्ट कैडर दी टोटल पोस्टा मेल कैंडीडेट लिए जी सिर्फ वो 1357 पोस्टा ने, फीमेल कैंडीडेट वास्ते 658 पोस्टा ने, एंड आम कैडर दी जी मेल कैंडीडेट वास्ते पोस्टा ने 1578 पोस्टा ने, तो फीमेल कैंडीडेट वास्ते 765 पोस्टा ने। एंड इस तो बाद एक कमेंट होर अरुण सैनी का कमेंट आया हुआ जिस विच पेपर कदों है, तो सितंबर के मंथ में कोई डेट इशू कर दी जाएगी, जिस दिन तो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। तो नैक्सट कमेंट की गल करिए सरदार साहब की, प्लीज़ एक गल दसो 17 ईयर 10 एज, मतलब ये कहना चाहते हैं कि 17 साल 10 महीने की एज है तो फॉर्म फिल हो जाएगा, वीर नहीं फॉर्म फिल नहीं होगा, जनरल कैटेगरी है जा एससी ओबीसी एसटी कैटेगरी है, 18 तो जिमें ही तुम उपर हों तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नैक्सट कमेंट की गल करिए कोमल कौर का एक कमेंट आया हुआ जिस विच थैंक्स सर लिखा हुआ, थैंक यू मैम। एंड दोस्तों, जो तुम पंजाब कॉन्स्टेबल की एग्जाम की तैयारी ऑनलाइन यूट्यूब तो करना चाहते हो, तो मैं काफ़ी क्लासेज ऑलरेडी अपने चैनल से तुम्हें तो प्रोवाइड करवा दी है, जिस विच कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, डिजिटल लिटरेसी, साइंस, कंप्यूटर, पंजाब जीके रिलेटेड काफ़ी क्लासेज तुम्हें तो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन्होंने वीडियो में मैं कवर किए हुए हैं, जे एक बार इन्हों ध्यान देख लोगे तो काफ़ी हेल्प तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू न मिलेगी। एंड सिलेबस रिलेटेड किसी भी टॉपिक के जो तुम वीडियो देखना चाहते हो मेरे चैनल के, तो इस वीडियो में मैं कमेंट करके उस टॉपिक का नाम दस दौ, तो आप नैक्सट क्लासेस उस टॉपिक के रिलेटेड स्टार्ट कर देंगे अपने चैनल पर। नैक्सट कमेंट की गल करिए सर मेरी एज जी 26/6/2003 है, कि मैं अप्लाई कर सकता? मनवीर सिंह सिद्धू जी, बाई जी 18 साल जो तुम क्रॉस कर गए हो तो 28 साल के बिचकार हो एंड जनरल कैटेगरी तो जरूर इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। बाकी हुण तुसी खुद कैलकुलेट कर लो तुहाडी एज किन्नी बनती है। इस तो बाद दिवांश मिश्रा का एक कमेंट अपने को आया हुआ जिस विच वीर एज 17 हो गई है बट अप्लाई नहीं हो रहा, वीर 18 साल एज लिमिट इन्होंने दसी हुई है, जिमें ही 18 तो तुसी क्रॉस होने हो तो इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। नैक्सट कमेंट की गल करिए 15/2/1992 एज आवेगी, किसी तुहाडा 92 च जन्म है तो तुम अराउंड 28, 28 या 29 साल के हो गए, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए ना, जे जनरल कैटेगरी तो तुम 28 क्रॉस कर चुके हो तो इस पोस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते, जे एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के हाँ जरूर तुम इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके वीर मक्खन सिद्धू जी।
ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਟੈਲੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਲੱਗਣਗੇ ਵੀਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸਟੇਜ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਜ਼ੂਰਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਜ਼ੂਰਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਸ਼ੈਲ ਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਈਟ ਦੀ ਜਾਂ ਚੈਸਟ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਜ਼ੂਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਟ 5'3" ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 5'7" ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਨਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹਾਈ ਜੰਪ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ OMR ਸ਼ੀਟ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ OMR ਸ਼ੀਟ ਬੇਸਡ ਟੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਜ਼ੂਰਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੀਤ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਸ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੋ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ। ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਫਰੈਂਸ ਦਈਏ ਜਾਂ ਆਮ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਫਰੈਂਸ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ DSP ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਆਮ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿਹੜੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1578 ਪੋਸਟਾਂ ਆਮ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਅਤੇ 1357 ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਮੇਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਨੰਬਰ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।